कौन क्यों राजा और उस स्वर्ग को देख लेता है। और जब तंबू तबार आया, बार अत्यंत वाला आया, और वह मंत्री सवाल करता कि महाराज क्या बात, आपको तवाड़ा क्यों आया? बोला रे मंत्री, मैं तेरे को क्या बताऊं, जो यह तंबू है, इस तंबू के अंदर इस बंजारे की बंजारन है, और वो इतनी सुंदर है कि इससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी सुंदर औरत नहीं देखी। जब मंत्री ने राजा के मुंह से बात सुनी, हाथ जोड़ लिए कि महाराज आप एक नगरी के राजा हो, वो रैयत है, और आपके मुंह से ये बात शोभा नहीं देती। फिर साथ के साथ आपका पगड़ी बदली यार है, हरनियों का आग्रह के यारी का घरा जारी सबसे बुरा घात होता है। बोला रहा मंत्री, मेरा बस की बात कौन है, क्या क्यों यह इश्क चीज ऐसी होती है? लोगो, जब यह इश्क इंसान पे सवार होता है, पता नहीं इंसान को किस कदर घटा देता है। इश्क बुरा जंजाल जगत में तरवा दिया सयारी ने, हर चालन की नाशन छोटी मार दिया बनजारी ने। निबोलेरा दुनियादारी कहती आवे, यो नाश का थोड़ी सको से, मरे ना जीवे रहे तरपता, यो काचा कोड़ी सको से, धनी इज्जत माटी में मिल जा, यो घर न छोड़ी सको से, खाना कुमाना तुरंत छुटा दे के घर का और ही सको से। निबोला आना जाना बंद करवा दे, यो खोदे रिश्तेदारी ने, हर चालन की नाशन छोटी मार दिया बनजारी ने। निबोला महाराज, वो बात तो मेरे भी समझ में आएगी, पर न्यू बताओ इस बंजारन को आप हासिल कैसे करोगे, आपके पास में क्या दरिया है? निबोला धन चाहिए था इसके हाजिर, बिना धन चाहिए था इसके हाजिर, यो माल खजाना कर दूंगा, जन्ना मानना था तोप लगा कर मौत निशाना कर दूंगा, इस बंजारे और बंजारी का एक कट्ठा पन्ना कर दूंगा, मेरा यहाँ की बात ध्यान में रमे की सा बहाना कर दूंगा। बिला क्या बहाना कर देगा? बिला कल तस्वीर की दावत दे के मैं खोसु सोरे प्यारी ने, हर चालन की नाशन छोड़ दी मार दिया बंजारी। लोग अब राजा रोड चलता चलता उस तस्वीर बंजारे से मिला, हरनु का तस्वीर कल के रोज मेरे महलों में तेरे सारे टांडे की दावत है। अगले रोज वो तस्वीर बंजारा अपनी बंजारन के साथ में, अपने साथियों के साथ में राजा रोड के महलों में दावत खाने के लिए चला जाता है। हर जब दावत खाकर चले, वो राजा रोड सोल्ट को अपने कब्जे में कर लेता है, और उन बंजारों को धक्के मार के शहर से बाहर निकाल देता है। ये वो राजा रोड अपने बचपन के यार, वो तस्वीर बंजारा अपने बचपन के यार राजा खंगार के पास में जाता है। हिजा के दरबार में रोन लग गया, वो राजा खंगार सवाल करता कि भाई तस्वीर न्यू बता दे तेरे रोने का क्या कारण है? तो कैसे क्या कहता, क्या बता भला? कर के मेरी खुशी ले बन जा,
तेरे राजा रोड़े ने प्यारा बनके दावत मेरी रह गई थी और ये बन जाने भी मेरी गल्ला दावत खाने गई पंद्रह सोलह साल उम्र की सोरत हूर नहीं थी सोना चांदी रतोल मेरा पर पमन ने मान ली थी अमयता दिए हम ता दिए मगली रखो ना गारा खेली प्यारी तेरा राजा रोड में समय वो लड़का फूल सिंह शिकार खेल का आया और आकर अपने भाव से पानी मांगा तो एकदम पाट के पड़ी कहने लगी मेरे बस का कौन है तेरा रोज रोज का पानी वो पानी रे अपना ठा के पी ले और भीतर रोटी तेरी अपनी ठा के खा ले मेरे बस की कुसामंद कौन है तेरी। कहने लगा अरे भाभी ठीक ठाक छोड़ गया था बात के है। कहने लगी बता दिया वो पानी रहा अपना ठा के पी ले मेरे बस के कुसामंद कौन है और ज्यादा कुसामंद चाहता हो तो नौ टंकी ने पह लिया। कहने लगा अरे नौ टंकी यो केस ऑफ द हाउस है। कह लगी बता दिया तेरे ते। कह लगा बावत जेठ का महीना जेठ में तो लोग प्याऊ बिठावे हैं और मन्ने दे कोई इतना बड़ा गुना नहीं करे अरे एक लोटा पानी है तो मांगया है। कह लगी जब मन्ने भी राह बता दिया वो पानी रहा अपना ठा के पी ले। कहना मैं अपने भाई ने बताऊंगा जाके। जब भाई का चक्कर आया तो छतरानी डिगी कदे साचे जाके अपने भाई के सामने शिकायत कर दे और राजा बड़ा गुस्से वाला तरह शर तैर लेगा। कहने लगी देवर राजा मैं तो मजाक कर रही थी आज आप पानी पियाऊंगी। कहने लग गया इतनी आड़ में घूम गई मैं को ना पीऊं तेरा पानी और जाके अपने भाई ने कहूंगा। कह लगी आज मैंने तो मजाक कराया था आज अपने देवर ने पानी के दूध पियाऊंगी कट के। कहने लगे नहीं अपने भाई ने जाके बताऊंगा मानेगा नहीं के नहीं। कह लगी जब बुला लिया किस लाट साहब ने बुला के लागू डरती तेरे भाई तो भी ना सुन। कह लगा इस बात का तो मैंने बेरा था। अब जाके वो लड़का फूल सिंह दरबारों की तरफ चल पड़ता है। दरबार में बैठा भूप सिंह और दूर से देख लिया फूल सिंह आने लग रहा है सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। और फूल सिंह ने जब अपने भाई को देखा ये कुदरती बात होती है जब इंसान के दिल में दर्द हो दुख हो और सामने से कोई प्यारा मानस आ जाए तो कुदरती आंखों में से आंसू निकल आते हैं। भाई को देख कर फूल सिंह की आंखों में से आंसू निकले और भूप सिंह ने भाज के कोली भर ली। कह लग रहा रोया क्यों। कह लग रहा छोड़ दे मुने। कह लग रहा बात भी होगी आपने भाई के लाड करूंगा। कह लग रहा तू कितके लाड करेगा लाड करने आता मर गए। कह लग रहा बात तो बता बात के है। कह लग रहा बहुत बड़ा जुल्म हो गया। कह लग रहा भाई इब घर कोने बसे। कह लग रहा क्या होया भी होगा कि मैं भाव से पानी मांगा था शिकार खेल का आया था और भाई एक के की कई कई सुनान लग गई और जिस घर में इस तरह के कायदे कानून हो जा ये हिसाब होने लग जा वह घर नहीं बचा करते। कह लग रहा बात तो बता अपने भाई के लाड करूंगा। कह लग रहा तू के लाड करेगा तो एक बात के द्वारा वो लड़का फूल सिंह अपने भाई के सामने महल वाली बात बताता है और अपना दुख रोता है कि सुन भाई आज मेरे साथ की होया महल न्यू बोला रे मेरे लाडी सावी हो
पुचकारे से रे प्रभु पशंग भाई तेरी रे बहु मने तन्या ते सारे से कदे भी न सोले वो माथे बोले साहे जब घरा जाले कदे भी न राजी ओ के नुकेती आ देवर भोजन खाले पानी मंगा था पीवन ने बोली आप प्याले नहीं कुछ आनंद का भूखा से तनो टंकी न ब्याले ये रखे रे शंग भाई तेरी रे बहू मने तान्या ते सारे से लाड सब मती वे मेले के ये पके मेरे सारे से खटका नगरी जाके ने जंगे झोंके चाल्या आया रवा अटके रकोन्या देरे दिखाई हमें तो के चाल्या आए जय अपनी गलती रे अपने हाथ जिस घर में रोज लड़ाई न्यूके हो से गुजारे घर कौन बेकी एक सला बिना सब दुखी न्यारे न्यारे करके मान सलरा करे सब ये घर बना कर प्यारे तेरी बहू के दगड़े न जाने ये अगले पड़ोसी सारे ये लोग कहें
प्रभु प्रसंग भाई तेरी रे प्रभु मने तान्या ते सारे से लक्ष्मण की जू बनया रे फेरू था मैं भाई काहे तकारी भाई कैसी चीज जगत में और नहीं कोई प्यारी राम लक्ष्मण शत्रुघ्न ने यह दुनिया जाने साई रास्ते लक की गेंद बना के उसे भरत ने ठोकर मारी पर आज काली आज काल भाई के सिर ने जो खुद भाई तारे से रे प्रभु प्रसंग भाई तेरी बहू तान्या ते सारे से लाड सा माटी मगल के वीर के दुखे में रोया था वो एक सुगरी वे बेचारा देखे बाली ने रे उसकी बहू रे खोशली अब राम चंद्र ने मार लगी चकने वो छेरी भीम बली ललकारा उन्हें सबके सवन के चंदा
نبلے پائے گھراں پڑھن کا چور ہو رہا سوں کیوں کسے ٹائم بھی گھراں جاؤں بھائی تانے مارا ہے اور ایک ایک کی کئی کئی سنان لگ گئی لیکن میں نے جب سے ہنس مارا ہے بھائی آپ کو رام چندر کی طرح پوجا ہے اور بابی کو سیتا مانیا ہے لیکن آج سارے رشتے ناتے بلا کے اور بیرن نے چاڑا کر دیا اور نہ بھائی میرا کھوٹ بتاؤ کیا کہتا آخری کلی میں ارے کام کام کرنے میں کسر نہ چھوڑوں میرے لائق جو سے کار بیوہار کرن میں بتا من کدسی کری رے لکھو سے باپ برابر سمجھوں سوں تن میرے نہیں جگر میں دو سے بڑی بابی نہ چھوٹا دیور بیٹے کیسا ہو سے اے لکھمی چندی لکھمی چند سمجھنیا مانس سب تریاں ہارے سے سارے سے